Jacob ji, this is Yasir Javed reporting from Chota Island. और आज डाइविंग कर रहे हैं. ट्रॉली का सीन था बट पानी बहुत ज़्यादा तेज है. चोटा में भी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है. एक आध फिश हमने मार लिया, बाकी फिश हम मारने लगे. कीप वॉचिंग दिस वीडियो. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक दफ़ा फिर सुनहरा पे आया हूँ और सुबह तकरीबन 7:30 हो रहे हैं. आज नींद आज भी नहीं हुई है लेकिन एनर्जी आज भरपूर है, बिकॉज आज सिर्फ ट्रॉलिंग नहीं है, आज हम स्पेयर फिशिंग या डाइविंग भी ट्राई करेंगे. पानी की कंडीशंस आज आइडियल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, हवा थोड़ी सी ज़्यादा है और लेकिन हम एक्सपर्ट्स के साथ जा रहे हैं. आज आपको अपनी पूरी टीम से भी मिलाता हूँ और सारी चीज़ें बताते हैं. ज़बरदस्त मौसम है, धूप नहीं है, लेट्स सी क्या होता है. भाई आज हमारे नाकवा हैं मामा, द ग्रेट मामा. अस्सलाम वालेकुम मामा. वालेकुम सलाम. तो मामा क्या रिपोर्ट है पानी का? पानी का भी हवा है भाई. हाँ हवा है, हम चल रहे हैं, देखेंगे आगे जाके, देखेंगे क्या होगा. हाँ क्या नहीं होगा. तो आज हमारा ट्रिप जो है ब्रांडेड होने जा रहा है. सारे ब्रांडेड बंदे हमारे साथ, मामा हैं, अहमद हैं जो स्पेयर फिशिंग में हमारा साथ देंगे, मतीन भाई हैं, साबिर भाई हैं. तो ज़बरदस्त ट्रिप होने जा रहा है, बाकी अल्लाह नसीब करे. बाकी अल्लाह नसीब करे, बिल्कुल. ये है भाई स्ट्रगल यहाँ से जो है ना ऑन बोर्ड होने की. अब जहाँ पे बोट है वहाँ पानी थोड़ा सा गहरा है और इस तरह से जो है जाना है. तो सुनहरा में थोड़ी सी जो है ना ये पेन होती है लेकिन इट्स वर्थ इट. चलो भाई मैं, अनस और अब मामा जो है ना इस पे ऑन बोर्ड होके मेन बोर्ड में बैठने जा रहे हैं. खींच लो मामा. पकड़ बोर्ड, पकड़ जाए अनस. बैठे रहो, बैठे रहो. हाँ जी अनस, कैसी फीलिंग है आपकी? जबरदस्त भाई. हाँ बोर्ड पे से जा रहे हैं. अच्छा जी, आज अदनान भाई हमारे साथ एक्सपर्ट है. अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो अदनान भाई ट्रॉलिंग का भी है कोई सीन? जी जी बिल्कुल, ट्रॉलिंग का. कहाँ तक जा रहे हैं, क्या सीन है? ये हम जाएंगे हयात से ऊपर जाएंगे, फिर हयात के बाद तलार की तरफ जाएंगे. बाकी मच्छी तो नसीब किया भाई, इंशाल्लाह नाकवा ने बोले बड़ी गुड न्यूज मिलेगी. ठीक है जी भाई. और हम आए हैं आज मतीन भाई की बदौलत. मतीन भाई अस्सलाम वालेकुम. मतीन भाई बहुत पुराने दोस्त हैं और फिशिंग और डाइविंग में मेरे बड़े पुराने पार्टनर हैं. मतीन भाई क्या सीन है? सीन तो अंदर जाके पता चलेगा. अच्छा. लेकिन हमारा प्लान ये है कि पहले हम ट्रॉलिंग करेंगे. ट्रॉलिंग में अगर कुछ हमें मिलता है, नहीं मिलता, वट एवर द केस वुड बी, देन वी विल ट्राई डाइविंग. ठीक है, स्पेयर फिशिंग का हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है. तो स्पेयर फिशिंग के जो है हमारे अहमद हमारे पास जो है आज हमारे एक्सपर्ट डाइवर हैं और अदनान जो है वो ट्रॉलिंग में एक्सपर्ट हैं. तो आई होप कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम फिट कर लेंगे. और उस्ताद भी आज हमारे साथ जो है साबिर भाई. बोर्ड माशाल्लाह से हमारी जो है ना आज सुपर जैम्बो है. मेरे ख्याल से ये 25-30 फीट लंबी बोट है और ज़बरदस्त इसका सीन है. और इसी वजह से ये यहाँ से पार्किंग से निकलने में ना काफ़ी हम स्ट्रगल कर रहे हैं और टाइम भी हो गया है काफ़ी. मौसम ज़बरदस्त है, हवा है लेकिन क्लाउडी है, तो इन्जॉयमेंट तो बहुत अच्छी होने वाली है. हम लोग बस बहरे होने वाले हैं अगले 5-7 घंटे के लिए. बाकी कुछ तफसीलात आपको वॉइस ओवर में होगी, वरना जब बोट रुकेगी तो तब होगी. सुनहरा से निकलने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया था कि ओपन वाटर में आज ट्रॉलिंग मुमकिन नहीं है,
हमारी बोट जिस तरह से हिल रही है आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर रफ है, और इतनी बड़ी बोट में इतने बड़े बड़े हिचकोले आ रहे हैं तो ट्रॉलिंग तो पॉसिबल थी ही नहीं। तो हम अपने डाइविंग के प्लान को कंटिन्यू करके मेन चढ़ना की तरफ पहुंच गए। भाई हम आ गए हैं चढ़ना पे, बिल्कुल मेरे पीछे चढ़ना आइलैंड है, और ट्रॉलिंग तो नहीं हो सकती बॉस, हवा जो है वो शदीद है, तो जब तक हम डाइविंग कर रहे हैं क्या पता अगर हवा स्लो हो तो हम ट्रॉलिंग के ऊपर भी निकल जाएं। वेल इक्विप तो आए हैं, सारा सामान हर चीज़ का है। तो मतीन भाई पानी में जा चुके हैं और हमारा लड़का जो है आज एक्सपर्ट जो लीड करेगा एक्सपेडिशन अहमद, वो भी चेंज कर रहा है और मैंने भी सूट अप होने जा रहा हूँ, चेक करिए। क्या अपडेट है? आप ड्राइव कराए, मैं तो अभी ऊपर ही था, थोड़ा सा लाउड बोले। गेस्टर भी मैंने देखे हैं, ग्रुपर्स, क्योंकि नीचे एक्चुअली चट्टान है, स्टोन है, तो स्टोन के अंदर से चढ़ी हुई है, नीचे नजर आएगा तब 20-25 फीट है। अच्छा चले जी, पानी में हमने अपना हंटिंग का सीन स्टार्ट किया, और पानी में जाने के बाद हमें एहसास हो गया कि एक तो बहुत ज्यादा रफ सूरत हाल है और पानी में जर होने की वजह से बहुत बुरी विजिबिलिटी है, और इस बहुत बुरी विजिबिलिटी का स्पीयर फिशिंग में बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं ले सकते थे। पर अहमद हमारा जो ड्राइवर है माशाल्लाह बहुत स्किलफुल लड़का है, और जिस तरह से वो इतनी बुरी विजिबिलिटी में भी जिस तरह से वो काम कर रहा था, जिस तरह से फोकस था, हम पहुंचे हैं और उसने ऑलरेडी एक पैरट फिश मार चुका था। हमारे चैंपियन ने तो पैरट मार ही दिया यहाँ पे, जब तक हम पहुंचे। ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, पहला वो शिकार हो गया, ट्रिप के पैसे वसूल हो रहे हैं। तो जी ऐसा हो गया कि पहली मछली मारने के बाद हमारी एनर्जी जबरदस्त हो गई, अहमद को मैं थोड़ी देर तक फॉलो करता रहा, लेकिन आप देखें विजिबिलिटी कुछ नहीं है, ये अहमद की हिम्मत थी कि उसको सब कुछ दिख भी रहा था और वो बड़ा पॉजिटिव था। मछली हमें भी दिख रही थी लेकिन हमारे पास गन एक थी। खैर थोड़ी देर तक हम लोग अहमद के साथ रहे, उसके साथ स्पॉट करते रहे, बट अहमद बहुत ज़्यादा फोकस था और वो आगे निकल गया और वो ज़्यादा रफ पानी की तरफ चला गया जहाँ हमें जाना मुनासिब नहीं लगा। तो ये मतीन भाई हैं और मैं, हम लोग थोड़ी देर तक नीचे पानी को एक्सप्लोर करते रहे, बट विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमें नीचे आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते रहे। लगे ना लगे, लेकिन हमारा दिन अच्छा गुजर रहा है, चढ़ते आइलैंड को देख लिया इतने नज़दीक से, और क्या चाहिए। दूसरा ये कि यार पानी आज रफ है और विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो नीचे का बहुत अच्छा कुछ व्यू शायद मैं आपको दिखा ना पाऊँ। डाइव पार्टनर मदीन भाई तो आगे, सॉरी वो तो पानी जाता है, नमकीन छूटना पड़ता है,
और जो लड़का हमारा आज स्पेयर फिशिंग कर रहा है भाई, उसकी तो बहुत स्पीड है और मैं तो कैचअप भी नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आया नहीं ओपन वाटर में। बहरहाल आज का दिन वैसे फन के लिए तो अच्छा है, बट आई डोंट थिंक सो कि अब ज़्यादा फिश जो है ना वो लैंड करा पाएंगे क्योंकि ये पानी रफ है, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम गए पानी के आगे तो पानी तो हमें प्रोफेशनल नहीं है, अहमद भाई जो है प्रोफेशनल है तो अहमद तो जा रहे हैं। मेरे तो पाँव में दर्द हो गया भाई फेंस से क्योंकि जोर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा और वापस पड़ी है सारी से आगे। पानी तेज है, नीचे विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं है, मछली है। मैंने खुद जो है बहुत सारे पैरेट फिश गुड साइज दो किलो तीन किलो की स्पॉट की है। अभी ब्रेक लेते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं, कुछ खाओ पियो फिर देखते हैं। यार अगेंस्ट दी वाटर का के जो थक गया ना वो भाई हेवन का स्टैंड है, मैं कहता हूँ जबरदस्त। मछली तो लग नहीं रही, पानी खराब है। हमने भी डाइव कर लिया, अब जो हमारे नॉन डाइविंग पार्टनर है वो जो है वो जैकेट पहन के पानी में चले गए। ये दो बंदे भाई हाँ भाई अनस क्या पोजीशन है? क्या पोजीशन तो यही है सेम सेम मेरा सिर ऊपर कहीं नजर आ रहा है ना, पानी में साइकिल ले चला। एंजॉय तो हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लोग, खुश है बस हम लोग भी खुश है। क्या बात है, फुल 50 ठा ठा। ओके जी, सीन ऐसा है कि हमें पानी से निकले हुए तकरीबन एक घंटा हो चुका है। अहमद जो हमारा डाइवर है, मेन डाइवर है ना, वो अभी तक पानी में ही है। और वैसे तो इंशाल्लाह सब वी आर वेरी पॉजिटिव के कोई ऐसी बात नहीं है, बट अब हम लुकआउट पे जा रहे हैं और अगर मछली उसके पास है वो मछली भी रिकवर करें, उसको थोड़ा पानी वानी भी पिलाएं, आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से एंकर वापस निकाल लें, चेक करते रहें। भाई शहजादा अपना आ रहा है और मछली भी लदी हुई है उसके साथ, वो रहा और इतने तेज पानी में जवान आ रहा है, नजदीक आ रहे हैं और दाने भी चेक कराता हूँ। इंशाल्लाह अच्छे दाने लगे हुए हैं उसको, मुझे दूर से दिख रहे हैं। हाँ भाई अहमद, कैप्टन नंदिया सबसे आगे, कैप्टन नंदिया नवाज शरीफ। तोते जो है ना वो कहते हैं ना माय पैरेट्स आर फ्लाइंग, तोते उड़ा दिए भाई जवान ने। क्या बात है, माशाल्लाह। ये लो भाई तोते ये है भाई। अच्छा जी हम वापस आ गए, शोर की वजह से आपको मिस्ट्री बॉक्स नहीं दिखा सकते थे और मिस्ट्री बॉक्स में सारी मछली आज जो है ना स्पेयर की गई है और स्पेयर की है अहमद ने। अहमद मुबारक विलेज का डाइवर है और हमारी तो हालत मेरी और मदीन भाई की तो टाइट हो गई थी, पानी इतना ज्यादा रफ था, पानी तेज था जी, कितना तेज था, हाँ ये तकरीबन एक डेढ़ घंटे पानी में अकेला रहा। हम इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा थी कि हम इसको कैच अप ही नहीं कर पाए और जब दोस्त के शॉट्स हम उस वक्त तो नहीं ले पाए, जो पानी इतना रफ था। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दिखाए हमने पकड़ा क्या क्या। चले जी नवाज शरीफ साहब से शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले कैप्टन दंधिया या नवाज शरीफ, सही है एक गाना। दूसरा जी करकान, ठीक है जी बड़ी मछली नीचे तो देखते रहे, एक और करकान
ये गुड साइज, गुड साइज कैप्टन दंदिया, ठीक है जी। एक और करकान, ये हो गई 1 2 3 4 5 ट्रेवली। एक और करकान ट्रेवली, ठीक है, 6 6। अच्छा जी, अब आ रही है चाया, रीजनेबल साइज, वेरी रीजनेबल साइज चाया, चाया ब्लबर लिप, ठीक है। अब आ रहे हैं जी, मैं वो मछली बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा टेस्ट के हवाले से अंडररेटेड है, वो है जी ये तोता कहते हैं इसको, सबसे छोटा पीस पहले दिखा रहा हूँ, और ये सबसे पहले इसने मार दी, तोता पोपट पैरटफिट इसे कहते हैं, सबसे छोटी ये है, फिर उससे बड़ी ये है, सही है जी। और अब जो सबसे बड़ी है, गुड साइज, वेरी गुड साइज, ओ ये है, ये तो ये जी सारी अहमद भाई की वजह से आज हम खाली नहीं गए। ट्रॉलिंग तो वेदर की वजह से नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती थी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था। तो व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। अच्छी बात ये कि हमारे सीजन का किक ऑफ जो है ना स्पेयर फिशिंग का बहुत अच्छा हो गया, आगे आने वाले दिनों के लिए ट्यून इन रहिएगा हमारे साथ, अहमद भी होगा और भी बहुत सारे डाइवर्स हैं, बहुत सारे एडवेंचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो लाइक भी कर दीजिएगा, सपोर्ट भी अपनी दिखाइएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।